You know, the best part of my job is that I love my job so much. And when I work, I don't get that feeling ki kab kaam khatam karun aur kab ghar jaun. I believe you must enjoy your work. आप दुनिया का कोई भी काम करो लेकिन इसको एंजॉय करो. एंजॉय करना जरूरी है लाइफ में. Hello everyone, welcome back to the channel Kareem Photography. I am back with another video and thank you so much for the previous video. Jitne bhi logon ne comments aur messages karke bataye aur main Kung Pao Kitchen ke jitne bhi reels aur photos wagera jo jo bhi hai Instagram pe main dalna shuru kar diya already. To jo log nahi dekhe to aap log wahan ja kar dekh sakte hain aur mereko follow kar sakte hain Instagram pe. Now let's get back to this video. Hum log photography karne ke liye gaye the House of Desserts ke liye. House of Desserts, they make amazing desserts, chocolate cookies, milk cookies, brownies, granola jars, बहुत सारी चीज़ें हैं उनके पास. तो हम लोग उनके लिए फ़ोटोग्राफी करने के लिए गए थे. उनकी रिक्वायरमेंट ये थी कि उनको इस साल की दिवाली के लिए दिवाली स्पेशल गिफ्ट हैम्पर्स को शूट करना था. कुछ 5 to 6 गिफ्ट हैम्पर्स थे, बहुत ही खूबसूरत तरीके से वो लोग सजा कर रखे थे, तो उसके फ़ोटोज़ लेना था. देखने में तो आपको नज़र आएंगे कि 4-5 गिफ्ट हैम्पर्स हैं, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत है हर चीज़ को यू नो अच्छी तरीके से उसको यू नो पूरा फ्रेम जिस तरह से सेट किया जाता है, कॉम्पोजिशन सेट किया जाता है, कलर क्या होगा, बैकग्राउंड क्या होगा, यू नो कौन सी चीज़ कहाँ पर रखना हो. तो बिकॉज़ आई थॉट यू नो कुछ चीज़ें ऐसी हो कि हम दिवाली को भी रिप्रेजेंट करें. सिंस दिवाली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लाइट, तो मैं एक छोटा सा बैकग्राउंड में यू नो फेरी लाइट भी यूज़ करना चाहता था, तो मैं उसको भी यूज़ किया. बिकॉज उससे एक बोका इफेक्ट आ जाता और यू नो खूबसूरत नज़र आती पिक्चर. तो कुछ इस तरह के फ़ोटोज़ भी है, आप इसको देखिए. बिकॉज आई रियली लाइक जो फेरी लाइट्स के जो बैकग्राउंड में जो बोका इफेक्ट आता उससे बहुत ही खूबसूरत आता, जो डेप्थ ऑफ फील्ड जिसे कहते हैं, बैकग्राउंड जो ब्लरी बैकग्राउंड आपको नज़र आ रहा है पीछे, जिसके थ्रू जो लाइट पीछे नज़र आ रही है वो बहुत ही खूबसूरत नज़र आता. दैट इज़ समथिंग व्हाट आई लव अबाउट फोटोग्राफी, बहुत अच्छा लगता. बाकी गिफ्ट हैम्पर्स को हम लोगों ने फ्लैटले शूट किया क्योंकि बहुत सारे आइटम्स थे, उनको अच्छे से प्रेजेंट करना था. सो आई थॉट फ्लैटले से बर्ड्स आई व्यू मिलेगा, आई मीन टॉप डाउन शॉट से और भी बेहतर नज़र आएगा सब कुछ. साथ में दियाज और लाइट्स का भी यूज़ किया हम लोगों ने अच्छे से दिवाली वाली फीलिंग आने के लिए. आई होप आप लोगों को ये सब पसंद आएंगे. और जितने भी फ़ोटोज़ हम लोग ले रहे हैं वो सारे इंस्टाग्राम पर जाएंगे, इंस्टाग्राम पे अपलोड होंगे. तो इनकेस अगर आप लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @ करीम फोटोग्राफी एंड फॉलो माई फ्रेंड फयाज @ MKM क्लिक्स. आई हैड एन अमेजिंग टाइम शूटिंग दिस दिवाली गिफ्ट हैम्पर्स, बहुत ही मज़ा आया भाई, बहुत अच्छी चीज़ें थी. हम लोग तो गए थे इस साल की दिवाली के लिए स्पेशल गिफ्ट हैम्पर्स की फोटोग्राफी करने के लिए और उनके इंस्टाग्राम रील्स बनाने के लिए. लेकिन आप भी अगर चाहते हैं इस तरह की कोई सेलिब्रेशन है आपके यहाँ पर, किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं, तो आप लोग ज़रूर DM कर सकते हैं हाउस ऑफ डेजर्ट्स को. वो लोग ज़रूर आपको रिस्पॉन्ड करेंगे और आप ऑर्डर दे सकते हैं उनको. आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर वीडियो पसंद आए तो यू नो वॉट टू डू, लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब. अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे पुराने वीडियोज़ भी देखिए. अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. दैट्स इट, थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. खुदा हाफिज़. मैं अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था लेकिन मेरे को मालूम हुआ कि हमारे वालिद साहब का फ़ोन जो है सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर की खिड़की पर जाके गिर गया. तो अभी वो निकालना है, आई डोंट नो कैसा निकालने वाला हूँ, बस निकालने वाला हूँ. ये गया इधर, यहाँ जाके गिरा भाई, अब इसको निकालना है.
आई डोंट नो कैसे निकालना, आजू बाजू खिड़की में से, ये खिड़की में से यहाँ से निकालना है।